In the year 1500, who was the first European to discover country of Brazil, landing near a place called Monte Pascoal, and he claimed that land for Portugal. 1500 में वो कौन से यूरोपियन थे जिन्होंने सबसे पहले ब्राजील का जो एरिया है, जिसको आज हम ब्राजील कंट्री बोलते हैं, इसको उन्होंने डिस्कवर किया और वहां पे लैंडिंग किया, और वो पूरा का पूरा लैंड उन्होंने पुर्तगाल के लिए क्लेम कर दिया, पुर्तगाल कंट्री के लिए क्लेम उन्होंने किया कि ये भाई हमारा लैंड हो गया ये। तो आपको इस एक्सप्लोरर का नाम बताना है, यू हैव टू टेल द फुल नेम ऑफ दिस यूरोपियन एक्सप्लोरर हु लैंडेड एंड क्रिएटेड अ कंट्री ऑफ ब्राजील। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आप जीतेंगे, पार्टिसिपेशन का कोई फीस नहीं है, जीतेंगे तो आपको ऑरेकल रीडिंग वर्थ 400 रुपीस मिलेगा। ऑलराइट, तो फर्स्ट आंसर इज फ्रॉम वैष्णवी पांडे। वैष्णवी पांडे इज सेइंग पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। पेड्रो अल्वारेस कैब्रल, फर्स्ट आंसर इज फ्रॉम वैष्णवी पांडे, फॉलोड बाय साक्षी जैन। पेड्रो अल्वारेस कैब्रल, सीमा बरादर, पेड्रो अल्वारेस कैब्रल, वैष्णवी पांडे, आपने कुछ चेंज किया है, पेड्रो अल्वारेस कैब्रल, वैष्णवी। ऑलराइट, आपने अपना आंसर चेंज किया है, पेड्रो अल्वारेस डी गोविया। वैष्णवी पांडे ने अपना आंसर चेंज किया है, सोनिया गांधी, पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। कुमारी काजोल, पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। ऑलराइट, काफी लोगों ने आंसर दिए हैं, अब हम चेक करेंगे, हम आंसर ओपन करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि किसका आंसर सही है। देखिए, थोड़ा सा मात्रा का इधर उधर होने से भी नुकसान हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। अब हम आंसर ओपन करेंगे, एंड सोनिया गांधी ने भी अपना आंसर चेंज किया है, तो वी विल ओपन द आंसर एंड सी के किसने सबसे पहले सही जवाब दिया है। फर्स्ट पर्सन टू गिव द कंप्लीट एंड करेक्ट आंसर विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक। ऑलराइट, हियर कम्स द आंसर, पेरो अल्वारेस कैब्रल। पेरो अल्वारेस कैब्रल, और हिज नेम गिवन बाय पेरेंट्स इज पेड्रो अल्वारेस डी गोविया। पेरो अल्वारेस कैब्रल, पेरो इज ऑल्सो नोन एज पेड्रो, बट वी विल सी कि किसने, किस व्यक्ति ने आज, हमारे किस पार्टिसिपेंट ने ये आंसर दिया है। पेड्रो एंड पेरो दे आर द सेम थिंग एक्चुअली, मैं आपको एक क्लैरिफाई कर देता हूं। ओके, वैष्णवी पांडे ने कहा है पेड्रो अल्वारेस कैब्रल, शी वाज़ द फर्स्ट वन टू गिव दिस आंसर, बट लेट मी चेक इफ समबडी हैज गिवन पेरो। ओके, पेरो किसी ने भी आंसर नहीं दिया है, तो वी विल गो विद वैष्णवी पांडे। वैष्णवी पांडे, आपने सबसे पहले ये आंसर दिया था, पेड्रो अल्वारेस कैब्रल, जो इनका जो नेम है वो, ही इज फेमस एज पेड्रो और पेरो, बोथ आर द सेम बिकॉज आर इज साइलेंट इन पोर्चुगीज, सो पेरो और पेड्रो। एंड इनका जो घर का नाम है, जो उनके पेरेंट्स ने दिया था, उनका नाम है पेड्रो अल्वारेस डी गोविया। तो बेसिकली वैष्णवी पांडे, आप इस क्वेश्चन में, इस राउंड में जीती हैं। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वैष्णवी पांडे। ऑल राइट, अब हम दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से स्क्रीन को देखिए और जल्दी से सही जवाब देने की कोशिश करिए, मेक श्योर कि अब स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। पहले राउंड में वैष्णवी पांडे जीती थी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग अप राइट नाउ। इन द ईयर 1994, हु इज द फर्स्ट पर्सन ऑन ए सोलो एंड अनसपोर्टेड जर्नी टू रीच द नॉर्थ पोल। 1994 में वो कौन से पहले इंसान है जिन्होंने बिना किसी, अकेले बिना किसी सपोर्ट के, जैसे कोई हवाई सपोर्ट दे रहा है या कोई सी रोड से सपोर्ट दे रहा है, उनको खाना पहुंचा रहा है या उनको किसी तरह की हेल्प कर रहा है, अनसपोर्टेड
जर्नी करी और वो नॉर्थ पोल पे पहुंचे। इस पर्सन का नाम बताना है। इन द ईयर 1994 हु इज द फर्स्ट पर्सन ऑन ए सोलो एंड अनसपोर्टेड जर्नी टू रीच द नॉर्थ पोल। बहुत ही डिफिकल्ट रहा होगा ये सफर बिकॉज नॉर्थ पोल इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। वहाँ पे कोई माउंटेन नहीं है, नथिंग ग्रोज, देर इज नो लैंड मार्क्स ऑल्सो टू फाइंड विच वे यू आर गोइंग। यू हैव टू एंटायरली डिपेंड ऑन सम सॉर्ट ऑफ टूल और स्टार मैप एक्सेट्रा। यू शुड बी वेरी नॉलेजेबल, वेरी वेरी रेजिलियंट, वेरी हार्डन्ड पर्सन। इस तरह की जर्नी करने वाला इंसान बहुत ही ब्रेव होना चाहिए। ऑल राइट, फर्स्ट आंसर इज फ्रॉम सीमा बिरादर। सीमा बिरादर ने कहा है बोर्ग आउसलैंड। साक्षी जैन ने कहा है बोर्ग आउसलैंड। ऑल राइट, एंड साक्षी ने एक वॉवल यूज किया है जो डच लैंग्वेज का वॉवल है। वी डू नॉट नो हाउ दिस वॉवल इज प्रोनाउंस। ओ के साथ एक वॉवल है, बोर्ग आउसलैंड। एंड सोनिया गांधी ने कहा है बोर्ग माइकल जंगार्ड आउसलैंड। सोनिया गांधी ने इस कंपटीशन का बार रेज कर दिया है, उन्होंने पूरा नाम दिया है साक्षी जैन, बोर्ग आउस्टीन आउसलैंड। सीमा ब्रदर रॉबर्ट पेरी एंड फेडरिक कुक। ऑल राइट, देखिए 1994 में टोटली सोलो, अलोन, अनसपोर्टेड, कोई सपोर्ट नहीं किसी भी तरीके का, कोई जीपीएस सपोर्ट नहीं, कोई सैटेलाइट सपोर्ट नहीं, ऐसे हालात में अकेले नॉर्थ पोल में पहुंचने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। वेरी ब्रेव एंड वेरी हार्डन्ड पर्सन। 1994 में ये कारनामा हुआ है। कुमारी काजोल इज सेइंग बोर्ग आउसलैंड। ऑल राइट, तो अभी काफी लोगों के जवाब आए हैं। सबसे पहले जवाब आया था सीमा ब्रदर का, उन्होंने कहा था बोर्ग आउसलैंड। नाउ द कॉम्पिटिशन कैन बी वेरी वेरी एक्सट्रीमली क्लोज, और साक्षी जैन ने इनके बाद कहा है बोर्ग आउसलैंड, और उसके बाद सोनिया गांधी थर्ड नंबर पे हैं बोर्ग माइकल जंगार्ड आउसलैंड। सो वी विल सी कि किसने सबसे ज्यादा कंप्लीट आंसर दिया है। आई एम गोइंग टू ओपन द आंसर नाउ। बोर्ग माइकल जंगार्ड आउसलैंड ये इनका नाम है जो सोनिया गांधी ने सबसे पहले दिया है। सोनिया गांधी जी, आपका नाम मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है, आप सब देख सकते हैं सोनिया गांधी का नाम स्क्रीन पे है। राउंड ऑफ अप्लॉज सोनिया गांधी। ऑल राइट, सोनिया गांधी का ने ये राउंड जीता है। सोनिया गांधी ग्रेट जॉब। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ईयर 1789 व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट ऑफिशियल प्रेसिडेंशियल हाउस where President elect George Washington moves in? 1789 में President का पहला कौन सा घर था जिसमें President बनने के बाद George Washington इस बिल्डिंग में मूव किए? और आपको बता दूं उस समय जब ये जॉर्ज वाशिंगटन प्रेसिडेंट बने थे उस समय व्हाइट हाउस नहीं था। तो व्हाइट हाउस इज द डेजिग्नेटेड प्रेसिडेंशियल हाउस इन द यूएस, लेकिन 1789 में वो कौन सा प्रेसिडेंट का घर था जिसमें जॉर्ज वाशिंगटन प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली दफा एज ए प्रेसिडेंट ही मूव्स इनटू दैट हाउस? इस घर का नाम बताना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कॉमा नहीं होना चाहिए, सिर्फ नाम बताइए, उसके बाद आप जो इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं दे सकते हैं। फर्स्ट टेल द नेम। What is the name of first official presidential house where President elect George Washington moves in? All right, बिल्डिंग का नाम बताना है, घर का नाम बताना है। जो लोग शहर का नाम बता रहे हैं वो शहर का नाम नहीं चाहिए हमें, इसमें हमें बिल्डिंग का नाम चाहिए। All right, first answer is from Sakshi. Sakshi is saying सैमुअल ऑस्कुट हाउस। कुमारी काजोल ने सिंह न्यूयॉर्क। वैष्णवी पांडे सिंह फेडरल हॉल।
साक्षी जैन सैमुअल ऑस्गुड हाउस लोकेटेड इन न्यूयॉर्क सिटी सीमा ब्रदर सिंह व्हाइट हाउस वैष्णवी पांडे सिंह फेडरल हॉल नेशनल मेमोरियल सोनिया गांधी सिंह सैमुअल ऑस्गुड तो काफी लोगों के आंसर आ गए हैं। लेट्स ओपन द आंसर्स नाउ। अपना आंसर हम खोलते हैं, देखते हैं किसने सही आंसर दिया है। सबसे पहले आंसर देने वाली है साक्षी जैन। आई थिंक यस, साक्षी जैन इज द फर्स्ट वन जिन्होंने कहा है सैमुअल ऑस्गुड हाउस। सीमा ब्रदर आप बोल रही हैं अलेक्जेंडर मैकोम्ब हाउस। ऑलराइट सीमा ब्रदर, आपका हमने नाम पढ़ लिया है। अब हम आंसर खोलने जा रहे हैं। हियर कम्स द आंसर। इस घर का नाम है फ्रैंकलिन हाउस लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। फ्रैंकलिन हाउस है इस बिल्डिंग का नाम, जहां पे प्रेसिडेंट बनने के बाद जॉर्ज वाशिंगटन मूव्स इन एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। दिस वॉज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अंटिल द व्हाइट हाउस was constructed 100 years later. All right. तो किसी ने भी इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया है, किसी का भी आंसर सही नहीं है। और व्हाइट हाउस, जिन्होंने व्हाइट हाउस का आंसर दिया है, व्हाइट हाउस तो ऑलमोस्ट 150 इयर्स के बाद बनना स्टार्ट हुआ था। तो उस समय जब ये प्रेसिडेंट बने थे जॉर्ज वाशिंगटन, उस समय व्हाइट हाउस एग्जिस्ट नहीं करता था, व्हाइट हाउस की फाउंडेशन भी नहीं बनी थी। तो इनका जो ऑफिशियल रेजिडेंस था वो था फ्रैंकलिन हाउस सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क। तो किसी को इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे इस वाले क्वेश्चन में, बिकॉज नोबडी वाज एबल टू क्रैक दिस वन। ऑलराइट, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द ईयर 2005 YouTube को फाउंडर जावेद करीम अपलोड्स द फर्स्ट वीडियो टू YouTube एंड दैट वीडियो जनरेटेड 311 मिलियन व्यूज। व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस वीडियो। 2005 में YouTube के को फाउंडर जावेद करीम ने अपना पहला वीडियो YouTube पे अपलोड किया और इस वीडियो के 311 मिलियन व्यूज हुए। इस वीडियो का टाइटल बताना है, मतलब पहला वीडियो YouTube पे जो अपलोड किया गया उसका टाइटल आपको बताना है। अब आपको पता है कि 2005 में ये कंपनी एस्टैब्लिश की गई थी और लेटर इट वाज एक्वायर्ड बाय YouTube, जावेद करीम एंड ही अपलोड्स द फर्स्ट एवर YouTube वीडियो एंड दैट वीडियो जनरेटेड 311 मिलियन व्यूज। व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस वीडियो। ऑलराइट, तो वैष्णवी पांडे बोल रही हैं कि सैमुअल ऑस्गुड आल्सो नोन एज फ्रैंकलिन हाउस। सो फ्रैंकलिन हाउस इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अंटिल द व्हाइट हाउस केम। सो द नेम वाज गिवन एज फ्रैंकलिन हाउस। तो आप इसको दे नहीं पाए आंसर, आंसर आपको फ्रैंकलिन हाउस देना था। और उससे पहले, फ्रैंकलिन हाउस से पहले जो भी उस बिल्डिंग का नाम था वो प्रेसिडेंट हाउस बनाने के वक्त फ्रैंकलिन हाउस कर दिया गया था। तो उस बिल्डिंग का नाम कुछ भी रहा हो, बट फ्रैंकलिन हाउस इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट। ऑलराइट, सबसे पहले आंसर इस क्वेश्चन का दिया है सीमा बिरादर ने, मी टू द जू। मी टू द जू, वैष्णवी पांडे मी एट द जू, साक्षी जैन इज सेइंग मी एट द जू, सीमा बिरादर इज सेइंग मी एट द जू, कुमारी काजोल से मनी गेट ए वे एंड सोने गांधी से मी एट द जू। ऑलराइट, सबसे पहले आंसर आया था सीमा ब्रदर का, उन्होंने कहा है मी टू द जू। तो अब इसमें थोड़ी अगर गलती हुई तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सीमा ब्रदर का पहले आया था, अब हम आंसर खोलने जा रहे हैं। मी एट द जू, दैट्स द टाइटल ऑफ द फर्स्ट वीडियो published by Javed Karim, co-founder of YouTube. And in this video, he has shown that he is traveling to the zoo and standing between two elephants. That was the first video, Me at the Zoo.
अनफॉर्चुनेटली सीमा ब्रदर आपका कुछ टाइपो हो गया है, इसलिए वैष्णवी पांडे ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है, मी एट द जू। तो सेकंड नंबर पे उन्होंने आंसर दिया है, लेकिन कोई गलती नहीं की है, वैष्णवी पांडे इस राउंड में जीती हैं। वैष्णवी पांडे आपका नाम स्क्रीन पे, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वैष्णवी पांडे। ऑल राइट, तो हमारा अब कोई समाप्त हो गया है, अब हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, वी विल कम बैक टू द रिजल्ट, डोंट वरी योर फ्रेंड्स। तो दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ, आई एम प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू टू अनाउंस द रिजल्ट ऑफ टुडेज क्विज। हाउएवर, फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू अपलॉड ऑल द पीपल हु पार्टिसिपेटेड टुडे एक्टिवली, एंड देयर नेम्स आर साक्षी जैन, वैष्णवी पांडे, सीमा बरादर, सोनिया गांधी एंड कुमारी काजोल। राउंड ऑफ अपलॉज फॉर द पार्टिसिपेशन। देखिए, पार्टिसिपेट करेंगे तो जीतेंगे, अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप पार्टिसिपेट करेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, यू विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, एंड इफ यू विन यू विल गेट फ्री ऑरेकल रीडिंग विच इज वर्थ 400 रुपीज। सो यू गॉट नथिंग टू लूज। ऑल राइट, अब हम रिजल्ट्स पे आगे बढ़ते हैं। आज हमारे यहाँ बीच में 4 राउंड हुए थे, उसमें से एक राउंड में किसी ने का आंसर सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा गलती हो गया था वहां पे। और तो 3 राउंड के अंदर वैष्णवी पांडे का स्कोर है 2, सोनिया गांधी का स्कोर है 1। तो इस हिसाब से वैष्णवी पांडे आज जीती हैं। वैष्णवी पांडे, आई विल डिस्प्ले योर नेम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वैष्णवी पांडे। सो वैष्णवी जी, आज आप जीत गई, और आप अपना जो भी आपका क्वेश्चन जो पूछना चाहती हैं आप सोच लीजिए, बिकॉज यू आर डिजर्विंग कैंडिडेट टू गेट फ्री ऑरेकल रीडिंग। तो आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए और हमें भेज दीजिए, बिकॉज व्हेन वी कम बैक वी विल डू योर फ्री ऑरेकल रीडिंग वर्थ 400 रुपीज। ऑल द बेस्ट वैष्णवी पांडे।